फाइनली ऑफिशियली 39 पियर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में आप सभी का स्वागत है। अभी चाइना टाउन और इटालियन स्ट्रीट से निकल के हम जा रहे हैं पियर 39। यस, हियर इज द रियल सैन फ्रांसिस्को नाउ। सामने समुंदर किनारा और यहाँ से जैसे ही नीचे जाएंगे तो पहुँच जाएंगे 39 पियर स्ट्रीट। 39 पियर स्ट्रीट बहुत ही फेमस है अपने सी साइड व्यू के लिए। फाइनली ऑफिशियली 39 पियर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में आप सभी का स्वागत है। जो सोचा था उससे भी ज़्यादा सुंदर और बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। कुछ कुछ मुझे बंगाल नाइट्स की याद आ रही है। जब मैं थाईलैंड फुकेट में था तो वहाँ पे भी इसी तरह एक वॉकिंग स्ट्रीट था, बट ये यहाँ पर उससे भी अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। यस, तो जो जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उन्हें मास्क पहनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको दुनिया भर के लोग मिल जाएंगे। जो जो लोग वैक्सीनेटेड है वो सारे यहाँ पर टूरिस्ट दिख जाएंगे। जहाँ पर टूरिस्ट होते हैं तो वहाँ पर कॉन्टिनेंटल खाना मिलता है, तो हर एक शॉप में अलग अलग प्रकार के खाने, अलग अलग पीने के इंतज़ाम, केक, खाना और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सी फूड देखने को बहुत मिल रहा था क्योंकि ये पियर्स के पास में था। तो बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से आए थे और सभी के सभी लोग हमारी तरह घूम रहे थे, बट सब लोगों को मास्क लगाना ज़रूरी किया था। और इस रास्ते से होते हुए हम जा रहे थे सी लायन देखने। मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी सी लायन नहीं देखा था, तो ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था। और जैसे जैसे मैं नज़दीक जा रहा था वैसे वैसे मुझे सी लायन की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मेरी उत्सुकता बढ़ते जा रही थी कि कब मैं जाऊँ और सी लायन देखूँ। फाइनली मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, मैं इस बोर्ड वॉक से नीचे उतरा और ये जो वॉकवे आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्ट्रेट चलते हुए जब मैं जा रहा था तो मेरे राइट हैंड साइड में कुछ लोग खड़े थे, वो सी लायन को ही देख रहे थे। वो वहाँ पर मेन SFO सैन फ्रांसिस्को, वहाँ से चाइना मार्केट, इटालियन लेन और धीरे धीरे वॉक करके हम 39 पियर स्ट्रीट के साइड में आ गए। और 39 पियर स्ट्रीट में जो सबसे फेमस चीज़ है वो है यहाँ की सील। अभी देखते हैं कि सील हमें दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है, बट ये फेमस है अपने सील के लिए। एक सील देखो सो गया। A homeless seal. Trespassing. Trespassing. How do you trespass on planet Earth? सच में मैंने अपने लाइफ में पहले कभी सील नहीं देखा था, तो और यहाँ पर आके मुझे सील देखने मिल रहा है, वो बहुत ही मज़े लेके सो रहा है। वो ऊपर से भी जा सकता था बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, लोगों को चलने की जगह नहीं थी ठीक से, और मैं नहीं चाहता था कि वहाँ से मैं जाके वो सिर्फ होटल लाइन सब में दिखाऊँ। मुझे एक्चुअल में ये चीज़ देखना था और इसे फील करना था। सच में अमेजिंग। ओह वाओ,
तो वो जो आइलैंड में दिख रहा है वो कभी जेल हुआ करता था, बहुत ही खूंखार कैदियों को वहाँ पे रखा जाता था कि वहाँ से वो कहीं भाग ना सके। तो एक ये भी किस्सा मुझे मालूम पड़ा कि वो एक जेल था, जैसे काला पानी का जेल था। और वो जो देख रहे हो आप मेरे सामने वो है गोल्डन गेट। मेरा ड्रीम है वहाँ पर जाना, तो यहाँ तक तो पहुँच ही गया हूँ, थोड़ी देर में गोल्डन गेट भी पहुँच जाऊँगा। और ये है पूरा असली सैन फ्रांसिस्को। अगर आपकी कोई विश है और उसको आप चाहते हो तो आप यहाँ पर आके ऐसे लॉक्स लगा सकते हो और आपकी विश पूरी हो सकती है। फाइनली ये मौका आ गया कि मुझे इतने सारे सी लायन या सील कह लीजिए एक साथ देखने मिले, और इनकी आवाज़ इतनी तेज़ थी वहाँ पर, मुझे मतलब फील हो रहा था। और वो जो पूरा प्लेटफॉर्म था जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े थे, वो पूरा प्लेटफॉर्म वाइब्रेट हो रहा था उनकी आवाज़ से। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि पानी के अंदर में एक सील डूबा हुआ है और वो कोशिश कर रहा है कि वो उस प्लेटफॉर्म पे आ जाए, बट सबके अपने अपने ग्रुप है और वो ग्रुप वाले उन्हें ऊपर आने नहीं दे रहे हैं। और ये सारे के सारे सब इनका मस्ती चल रहा था वहाँ पर। बाद में समझ में आया कि ये सब खाना खाने के बाद में उस पर आकर सो गए हैं और सब लोग ने अपनी अपनी जगह पकड़ ली है, और जिसने अपना जगह पहले आके पकड़ा वो बन गया राजा और दूसरे को वो चढ़ने नहीं दे रहा था। तो इस तरह का यहाँ का हिसाब किताब था। ये सब हमें वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि खाना खाने के बाद वो इस तरह से आराम करते हैं इसके ऊपर आकर। ये देख के मुझे ब्रुकलिन बीच का याद आ रहा है। सच में ब्रुकलिन बीच में भी कुछ इसी तरह लोगों ने ताले लगा के रखे थे कि अपनी विश मांगते हैं पूरी, और जब उनकी विश पूरी हो जाती है तब वो इसे खोलते हैं। अब पता नहीं इसे कब खोला जाता है या इसे कट करके फेंक दिया जाता है पानी में, बट देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और वहाँ पर ये सील इनकी फाइटिंग देख ली, बहुत ही मज़ा आया इनकी फाइटिंग देख के। अब 39 पियर्स से बाहर निकल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वो साइड शोर में जाया जाए अगर जाने का मौका मिलता है तो। और 3 बजे के बाद में यहाँ पर फॉग चलने लगता है तो गोल्डन गेट का व्यू अच्छे से नहीं दिखाई देगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3 बजे के पहले मैं गोल्डन गेट 3 बजे के पहले मैं गोल्डन गेट पहुँच जाऊँ और अच्छे अच्छे व्यू और सीन कैप्चर कर पाऊँ। हमने वहाँ से एंट्री की थी और कोशिश करेंगे कि वहीं से एग्ज़िट हो जाए बराबर। तो ये था पूरा 39 पियर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया का सी व्यू एरिया। और यहाँ से निकलने के बाद में जो इसके सराउंडिंग एरिया है वो भी पूरा फुल हैपनिंग प्लेस होता है। तो ये एरिया कवर करने के बाद में हम निकल पड़े बाहर की ओर, और जैसे ही हम बाहर निकले तो वहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट,
और लोकल बाज़ार, फिशरमैन बाज़ार, जो जो लोकल फिशरमैन होते हैं वो अपने सामान लाके बेचते हैं स्ट्रीट पे। तो ये सब देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे कुछ कुछ नया देखने मिल रहा था। तो चलो हमारे साथ में आप भी देखिए। यहाँ से डायरेक्ट हिप ऑन हॉप ऑफ की बस बुक कर सकते हो, और जो कि सबसे ज़बरदस्त होता है, बट मेरे हिसाब से वॉक करके घूमना बहुत ही सही रहता है। Yeah. शाम होने की तैयारी में सारे लोग अपने अपने बिजनेस लेके आ गए हैं रोड पर, और शाम के टाइम पे यहाँ पे अलग ही वाइब होता रहेगा। मैं ज़्यादा वीडियो को कट पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना रॉ में दिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर इस फुटेज को अगर मैं कट पेस्ट करके एडिट करने जाता हूँ तो वो फीलिंग नहीं आएगी जो मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। अगर आप लोग देख रहे हो तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट आप लोग एंजॉय कर सकते हो। अगर आप USA आ रहे हो तो अपने लिस्ट में सैन फ्रांसिस्को के 39 पियर को ज़रूर रखें। इसको बकेट लिस्ट में डाल लो, और ये घूमने लायक जगह है। सच मानो, ये जो स्ट्रीट है ये वर्ल्ड फेमस स्ट्रीट है 39 पियर सैन फ्रांसिस्को में, और यहाँ से जो व्यूज़ मिलते हैं वो अल्टीमेट होते हैं। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। मैं घूमा, एंजॉय किया, बट कुछ कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर मैं कैमरे से शूट नहीं कर पाया। वो सब जगह देखने लायक ही होते हैं, उसे फील करो और एंजॉय करो। जैसे कि ये रास्ते में बैठ के ये आर्ट दिखा रहा था, लोग इन्हें कुछ पैसे देते, तो ऐसे बहुत सारे लोग रास्ते में बैठे थे बट वो लोगों ने शूट करने नहीं दिया। ये छोटी सी गाड़ी देख सकते हो आप, तो ऐसे बहुत सारे एंटिक चीज़ आपको रास्तों पर देखने मिल जाएंगे 39 पियर के पास में। तो यहाँ से हम लोग जा रहे थे बस ढूंढने कि बस हमें मिले और बस हमें ले जाए द गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। तो उसके लिए हम आगे चल पड़े, मैं और पीटर दोनों साथ में। तो आपने पीछे जो जो देखा वो था 39 पियर बे एरिया पूरा, बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, बट मज़ा आया सच में घूम के मुझे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अभी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट सैन फ्रांसिस्को, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके लिए मैं यहाँ पर ख़ास आया हूँ, तो चलो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ गोल्डन गेट। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि यहाँ से मैं निकलूँ और जाऊँ, बस इसे मन कर रहा है कि इसे देखते रहूँ।